सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा दूसरा दिन इस यात्रा का। कल हमने पूरा दिन जो है ट्रैवल किया। हम सूरत से भावनगर आए, भावनगर से बोताड आए और बोताड से हम कल रात को 9 बजे जो है सारंगपुर पहुँचे। और आज हम जा रहे सारंगपुर में कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ मेरे गेस्ट हाउस के सामने, जहाँ पर हमने कल रात को स्टे किया था। मैंने डोरमेट्री में जो है अपना बेड बुक किया था। तो आज दूसरा दिन है, तो अभी चलते सारंगपुर मंदिर में कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। कष्टभंजन हनुमान जी, यानी कि सभी के कष्ट दूर करने वाले हनुमान जी। इस मंदिर की स्थापना 1905 में सदगुरु गोपालानंद स्वामी जी ने की थी, जो स्वामीनारायण भगवान के भक्त थे। उन्होंने जब कष्टभंजन हनुमान जी की स्थापना की, तब उस मूर्ति को उन्होंने एक छड़ी से स्पर्श किया, वो मूर्ति कांपने लगी और उस मूर्ति में जान आ गई। जब सदगुरु गोपालानंद स्वामी जी यहाँ इस स्थान पर आए थे, तब यहाँ के सभी लोगों ने उनसे कहा कि हम शनिदेव के प्रकोप से परेशान हैं। तब गोपालानंद स्वामी जी ने कष्टभंजन हनुमान जी की प्रार्थना की और कष्टभंजन हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई और उसकी स्थापना यहाँ सारंगपुर में की। सभी भक्तों की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को मारने का निर्णय लिया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसीलिए शनिदेव ने नारी का रूप ले लिया। सभी भक्तों को शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को निर्देश दिया और हनुमान जी ने इस नारी रूप धारण शनिदेव को अपने पैरों तले दबा दिया और शनिदेव की प्रकोप से सभी भक्तों को मुक्त किया। इसलिए यहाँ आने वाले सभी भक्तों को कोई भी कष्ट हो, वो सभी कष्ट कष्टभंजन हनुमान जी दूर करते हैं। लोग यहाँ श्रद्धा भक्ति से आते हैं, कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं। अब हम आए मंदिर से बाहर और हमने जो है दर्शन किए कष्टभंजन हनुमान जी के, और बहुत ही अच्छे से हुए हमारे दर्शन। अंदर ज़्यादा गर्दी नहीं था, बट आप सुबह 5:30 जब आरती होता है तब आओगे तो बहुत ज़्यादा गर्दी होता है, तो आप 7 से 8 बजे के बाद में आप आ सकते हो और अंदर दर्शन कर सकते हो। अब मैं आया हूँ मंदिर से बाहर कुछ नाश्ता करने के लिए, और खाना जो है 11 बजे स्टार्ट होगा, तो अभी आधा घंटा और है, तो सोचा कि सुबह जो कुछ नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लेते। और मैं यहाँ पर खाने आया हूँ गुजरात का फेमस फाफड़ा गाठिया और कढ़ी। तो इस फाफड़ा और गाठिया के साथ मैंने जो है मेथी के भजी भी जो ऑर्डर किए और वो भी जो गरम गरम अंकल बना रहे, तो जैसे ही आएंगे हम खाएंगे। सो मेथी के भजी जो है वो भी बन के रेडी है, तो ये सारी चीज़ें खाते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये जो गेट है वो इस मंदिर का मेन एंट्रेंस है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। और इस मेन एंट्रेंस के सामने एक बस स्टैंड भी है सारंगपुर का। और जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको जो है यहाँ पर कार पार्किंग के लिए भी बहुत सारी जगह है, कि यहाँ पर जो है जगह जगह पे जो है डायरेक्शन लगे हुए हैं, तो आपको कहीं पर भी जाना है तो आप यहाँ पर डायरेक्शन देख के आप इजीली जा सकते हो। आप जैसे ही एंट्रेंस से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है बच्चे लोग के लिए छोटा सा गार्डन है, जहाँ अगर आप छोटे बच्चे लोग को लेके आते हो तो यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आप जैसे एंट्रेंस से अंदर आओगे तो आपको राइट हैंड साइड पे जो है गेस्ट हाउस देखने मिलेगा, जो कि ये ट्रस्ट की तरफ से है। और यहाँ पर अगर आप सिंगल आते हो तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, आप डोरमेटरी सिस्टम में रह सकते हो या फिर यहाँ पर प्राइवेट रूम लेकर रह सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है आप एक पूरा हॉल ले सकते हो या फिर एक प्राइवेट रूम लेके रह सकते हो। और इस गेस्ट हाउस में आपको अगर रूम बुक करना है तो आपको जो ये एंट्रेंस से एंटर करना है अंदर, और सामने ही जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप जो है रूम अपने लिए बुक कर सकते हो।
और यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है वो एक हॉल सिस्टम है। अगर आप 10 से 15 जन हैं तो यहाँ पर जो एक पूरा हॉल बुक कर सकते हो और यहाँ पर जो है स्टे कर सकते हो। और इस गेस्ट हाउस के बाजू में बेसमेंट में एक डॉर्मेट्री सिस्टम है जहाँ पर मैं कल रात रुका था। आप जैसे ही मंदिर से बाहर आओगे तो आपको जो है राइट हैंड साइड पे 3 काउंटर देखने मिलेंगे। एक है डोनेशन काउंटर जहाँ पे आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हो, और दूसरा है प्रसाद के लिए जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो यहाँ से, और तीसरा काउंटर है धागे के लिए। यहाँ आने वाले सभी भक्त जो है यहाँ से धागा लेकर जाते हैं और उसे अपने रक्षा के तौर पर पहनते हैं। इस मंदिर का जो टाइम है वो सुबह 5:30 से लेकर रात को 9 बजे तक है, लेकिन दोपहर को 12 से 3 जो है ये मंदिर बंद रहता है। अगर आप आ रहे हो तो ये टाइम स्लॉट के बीच में मत आना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 12 से 3 के बीच में आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, आपको 3 के बाद ही करना पड़ेगा। अब मैं आया हूँ मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर हरि मंदिर है, और इस मंदिर की बनावट है बहुत ही अनोखी है, और ये भी मंदिर जो है बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी अंदर चलते और हरि मंदिर में जो है दर्शन करते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा यज्ञ करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के लिए आपको जो है जहाँ पर मैंने डोनेशन काउंटर दिखाया वहाँ पर 4 नंबर का काउंटर है, वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर हनुमान चालीसा यज्ञ भी करवा सकते हैं। आप जैसे ही हरि मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आओगे तो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे एक और काउंटर देखने मिलेगा जो कि है जल का काउंटर, और ये वही जल है जो हनुमान दादा को यहाँ पर चढ़ता है, जहाँ पर आपको 10 रुपये में एक बॉटल दी जाती है। मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में एक और स्टोर है जहाँ से आप किचन फोटोज अगरबत्ती या फिर आपको माला खरीदनी है और भी बहुत सारी चीज़ें तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। इस स्टोर के बाजू में और दो काउंटर है, एक है पुस्तकालय का काउंटर और एक है गौमूत्र का काउंटर। और इस गौमूत्र को जो है गौ अक्र भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है गौ अक्र और तुलसी गौ अक्र और सिर्फ तुलसी अक्र, ये 3 बॉटल यहाँ पर जो है अवेलेबल है, तो आपको खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। आप यहाँ पर आके पूजा पाठ भी करवा सकते हो, और पूजा पाठ करवाने के लिए आपको जो है यहाँ काउंटर पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये जो काउंटर है वो ठीक स्टोर जो मैंने दिखाया उससे थोड़ा आगे आओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और पूजा पाठ करवा सकते हो। अच्छा, आसानी पूजा पाठ सानू करावे छे, भूत प्रेत माटे करावे छे, ओके, बदी बदी जे पण कष्ट होय बधा दूर करे छे। कष्ट भंजन दोपहर को 2 से 4 रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और पूजा पाठ का टाइम क्या है? 8 बजे शुरू होता है, 8 से 10, और उसके बाद नहीं होता है, 4 से 6। और यहाँ पर पूजा पाठ करवाने के लिए आपको जो है नारायण कुंड में जो है आपको स्नान करना पड़ेगा, और यहाँ से नारायण कुंड का जो डिस्टेंस है वो है 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बट फिलहाल जो है नारायण कुंड बंद है, कोविड की वजह से जो है बंद रखा गया है, तो आप यहाँ पर धर्मशाला में स्नान करके भी यहाँ पे पूजा पाठ करवा सकते हो। हाँ,
तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा के आओगे तो ये वाला जो गेट है यहाँ से आपको एंट्री लेना है और अंदर जाना है। आप अगर यहाँ पे पूजा पाठ करवा तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, और इसका क्या यूज़ है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हो। और यहाँ पर वो हॉल है जहाँ पर पूजा पाठ होती है। मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पे भोजनालय है जहाँ पर आपको सुबह 7 से 8 जो है आपको नाश्ता मिलता है, और खाना जो है सुबह 11 से लेके दोपहर को 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खाना दिया जाता है और प्रसाद दिया जाता है। आप जैसे ही भोजनालय में एंटर करोगे आपको जो एंट्रेंस में ही जो आपको खूबसूरत श्री कृष्णा जी की एक फोटो लगी हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर जो एरिया है इस भोजनालय का बहुत ही बड़ा है, तो आप यहाँ पर आके जो है अपना भोजन जो है ग्रहण कर सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कुछ पैसा डोनेट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर जो है बारकोड भी लगाया हुआ है और गूगल पे पेटीएम सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू भी जो आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हो। तो अंकल जी आपका नाम? हमारा नाम भूषण भाई। भूषण भाई, हाँ। तो हमको बताइए कि खाने में क्या रहता है, अगर सुबह के टाइम पे खाने में क्या रहता है यहाँ पे 11 से 3 के बीच में? दाल दाल भात रोटी साग सीरो। कितना भाजी रहता है? केटली भाजी रहे छे? बे भाजी रहे छे, रोटली पण आपे छे साथे। अच्छा, तो 2 भाजी रहता है और दाल भात रहता है और शीरा भी रहता है। और रात के टाइम पे क्या रहता है खाना में? कढ़ी खिचड़ी रोटी साग। अच्छा, कढ़ी खिचड़ी रोटी और 2 भाजी, जैसे कि हम लोगों ने कल अभी खाया था, बट मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा सा अंधेरा था, बट खाना बहुत ही टेस्टी था। और सुबह नाश्ते में क्या देते हैं? नाश्ते का टाइम क्या है? 7 से 8 बजे का। अच्छा, आपने बटाटा पोहा? बटाटा पोहा रहता है। हाँ। ओके, तो आप यहाँ पर आके जो भोजन ग्रहण कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको यहाँ पर अगर डोनेट करना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है, तो आप डोनेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो है एक वॉशरूम एरिया है जहाँ पर सभी डिशेज जो है वॉश की जाती है, और वहाँ आप देख रहे हो आगे तो वो किचन है। ये जो भोजनालय का आप जो एरिया देख रहे हो वो एक जनरल एरिया है जहाँ पर आपको खुद को खाना लेकर खाना पड़ेगा। और इस यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लोर पे एक वीआईपी एरिया है, वहाँ पर आप अगर जाकर खाते हो तो वहाँ पर जो है आपको खाना जो है सर्व किया जाता है और आपको लेना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीआईपी एरिया में जाकर खाना खाना है तो आपको जो है पास निकालना पड़ेगा, और वो पास का जो कॉस्ट है वो आप अपने इच्छा अनुसार दे सकते हो और वहाँ से पास ले सकते हो। और ये जो पास है आपको जो है 4 नंबर काउंटर पे, जहाँ पर मैंने डोनेशन काउंटर दिखाया, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप मंदिर से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको जो है यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति देखने मिलेगी, जहाँ पर जो है उनका मुख खुला हुआ है, और लोग भक्त लोग आते यहाँ पर और उनके मुख में जो है श्रीफल डालते हैं, और वो जो श्रीफल है जैसे ही उनके मुंह में जाता है और उनके हाथ के थ्रू जो है बाहर आता है, वो भी कट के आता है, तो आधा जो नारियल जो बाहर आता है तो लोग उन्हें प्रसाद के तौर पे जो है लेकर जाते हैं। तो इस कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने आया था मैं, तो कुछ भक्त लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं। तो आपका नाम? मैं नीरव बोल रहा हूँ। अच्छा, नीरव हो आपका नाम। हाँ। तो आप कहाँ से आए हो? सूरत से आया हूँ। और आपको कहाँ कैसा लगा यहाँ पर दर्शन करके? मैं तो यहाँ पे 4-5 बार आ चुका हूँ। 4-5 बार आ चुके हो, लेकिन आज जो दर्शन हुए वो दर्शन कभी नहीं हुए, क्योंकि आज थोड़ा सा नॉर्मल है, वीक का नॉर्मल, रश बहुत कम है। मेरे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मैंने देखा था अंदर वीडियो लेके, जैसे आप आए ना, मैंने तभी देख लिया कि कुछ है, कुछ तो है, कुछ फोटोग्राफी में या कुछ मीडिया में है आप? मीडिया में नहीं, मैं एक्चुअली यूट्यूब चैनल है मेरा। okay. और मैं 10 दिन का मेरा चैलेंज है, मैं अकेला घूम रहा हूँ, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, सोलो ट्रैवल, और मैं सौराष्ट्र पूरा घूमने वाला हूँ, मेरा आइटनरी पूरा रेडी है। तो उस हिसाब से मेरे अपने आप को चैलेंज दिया मैं कि 10 दिन में मैं कितना घूम सकता हूँ। नहीं, तो आप जो जगह पे आए ना, ये कष्टभंजन, ये पूरे इंडिया में बोले तो हनुमान जी के लिए सबसे बड़े, यानी जिसका कष्ट हो वो सभी दूर करते हैं कष्टभंजन। कष्टभंजन वही है। ओके, और ये सत्य है, उसमें क्या लिखा है वो मंदिर के अंदर आप देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कष्ट सत्य है, सत्य है, तो ये सत्य ही है। ओके, और यहाँ का आजूबाजू का जो एनवायरमेंट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, आपको पॉजिटिव वाइब आएगी यहाँ पर आके।
तो बहुत ही अच्छा लगे, आप जरूर आइए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। और अगर आपको श्रीफर खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो और एक श्रीफर की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज। तो फाइनली जो है 2 घंटे का वेट करने के बाद बस आ गए।